चलिए आज बेसिक मैथ्स का हर एक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं आप स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं हर एक क्वेश्चंस के लिए दिए जाएंगे फाइव सेकेंड्स उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आंसर का तो चलिए पहले क्वेश्चंस के लिए फाइव सेकेंड सही सबने सोचा सबने सोचा होगा इसका आंसर जीरो ही है हंड्रेड यही आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और फाइव सेकेंड समथिंग रेस टू जीरो बच्चों वन ही रहेगा सही है अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइव सेकेंड वन रेस टू वन क्या रहेगा बच्चों वन ही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइव सेकेंड यहां आधे बच्चों ने सोचा होगा या सेवेंटी परसेंट बच्चों ने सोचा होगा कि इसका आंसर जीरो आएगा बट मैथ्स में ये अनडिफाइंड टर्म है ये टर्म नॉट डिफाइंड राइट अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से फाइव सेकेंड बच्चों अब इसका आंसर क्या सोचा बच्चों आपने जीरो नहीं गलत था इसका आंसर कॉन्सेप्ट पढ़ते एक्स रेस्ट टू माइनस वन होता है तो बच्चों हम वन बाय एक्स लिखते जीरो रेस टू माइनस वन होगा तो वन बाय जीरो होगा सो बच्चों इसका आंसर इन्फिनेटिव या नॉट डिफाइंड सो इनफिनेटिव आएगा बच्चों नॉट डिफाइंड होगा ये स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइव सेकेंड क्या सोचा बच्चों आपने माइनस वन रेस टू माइनस वन वन नहीं बच्चों ये कॉन्सेप्ट यही से होगा माइनस वन रेस टू माइनस वन सो वन अपॉन माइनस वन लिख सकते हैं वन अपॉन माइनस वन होगा बच्चों माइनस वन सो इसका आंसर आएगा माइनस वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइव सेकेंड क्या सोचा बच्चों सही सोचा टू रेस टू माइनस वन सो वन बाई टू इक्वल्स टू पॉइंट फाइव अब लास्ट क्वेश्चन के लिए फाइव सेकेंड बच्चों समथिंग रेस टू ज़ीरो बच्चों समथिंग रेस टू ज़ीरो किसी का पावर जीरो होता है तो वो वन हो जाएगा बट ज़ीरो रेस टू ज़ीरो बच्चों नॉट डिफाइन रहेगा समझ में आया आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स बच्चों और पेरेंट्स के साथ थैंक यू